हेलो गुड मॉर्निंग एग्जाम में आपका स्वागत है गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में, ठीक है, जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट है। और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट कहाँ निकली हुई है वो भी आपको बताता हूँ। ये निकली हुई है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ हॉस्पिटल में, ठीक है। इसके अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एक्सपीरियंस मांग गया है, कहाँ का एक्सपीरियंस मांग गया है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट वाली कौन सा वैलिड है, सब कुछ डिटेल में आपको बताते हैं। देखो अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अप्लाई करने का लिंक भी आपको शो होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज की, वैकेंसी कितनी है। तो जिसमें कुल वैकेंसी जो आपकी हैं वो 665 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से डिवीजन है, 252 जनरल के लिए, 143 एससी के लिए, 12 एसटी के लिए, 177 ओबीसी के लिए और 81 ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब ये है कि जैसे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की जो भी कैंडिडेट है, ठीक है, तो ये उनके अकॉर्डिंग 13-14 वैकेंसी जो भी डिवाइज हुई है। आपको वेतन मान कितना मिलेगा, आपको वेतन लेवल 7 की मैट्रिक्स पेमेंट 2 से मिलेगा, 44,900 आपका स्टार्टिंग हुआ, प्लस अलाउंसेस आपके अलग होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, जब आप लखनऊ में पोस्टिंग होंगे तो राजधानी के हिसाब से अलाउंसेस ऑब्वियसली ज्यादा ही होते हैं कंपेरिजन टू अदर स्टेट। अब इस पोस्ट की हमने क्या क्या जान लिया, अब हम जानते हैं एलिजिबिलिटी मतलब अर्हता कितना, अर्हता कितनी है, अनिवार्यता मिनिमम मतलब शॉर्टकट बोला मिनिमम एसएससी क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है। देखो बीएससी नर्सिंग चाहिए, ठीक है, बीएससी नर्सिंग हो विद ऑनर्स के साथ, इंडियन मेडिकल काउंसिल में नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका दूसरा क्या है कि रजिस्टर्ड इन नर्सिंग मिडवाइफरी नर्सिंग, सेम वही लाइन लिखी हुई और कोई नहीं, ठीक है। तो और दूसरा ये चीज़ क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट अगर आपने जीएनएम का रखा है तो जीएनएम वाले भी इसमें एलिजिबल है, पर जीएनएम वालों के लिए कंडीशन है ना, बट उसमें भी एक रिलेक्सेबल है कंडीशन अभी। देखो डिप्लोमा चाहिए, सिंपल सी बात है, कोई भी आप जो भी इंस्टीट्यूट हो वो आपको मतलब आईएनसी से रिकॉग्नाइज हो, और दूसरा आप रजिस्टर्ड हो नर्सरी एंड मिडवाइफरी सेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, ये दो तो मैंडेटरी है। बात करते थर्ड जो ऑप्शन है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 50 बेड्स के हॉस्पिटल में आफ्टर एक्वायरिंग दिस क्वालिफिकेशन, मतलब आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाए जिस रजिस्ट्रेशन की डेट में, जैसे कि आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट है 10/7/2023, ठीक है, या 2022 मान लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में आप जहाँ कहीं पे भी किसी भी हॉस्पिटल में आप वर्क करेंगे जिसमें मिनिमम 50 बेड होगा, 50 बेड से ऊपर वाला चल सकता है ना, लेकिन मिनिमम 50 बेड होगा तो वही चीज वैलिड होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके लिए कि आपकी एज कितनी रहेगी। एज से पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन के बारे में एक जो जो मार्क लगा हुआ वो आपको बता दूं, द कैंडिडेट विल हैव टू फिनिश द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन द लेटर हेड ऑन द इंस्टीट्यूट एंड द हॉस्पिटल एजेंसी, ठीक है। जो भी आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल की जो भी एजेंसी है उसके मतलब लेटर हेड पे होगा विद द लेटर नंबर, लेटर नंबर भी होगा, क्योंकि ऐसा होता है जब हम लोग एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं तो वहाँ पे लेटर नंबर और वो सब चीज़ लिखा ही होता है ऊपर लेफ्ट साइड में, ठीक है, डेट ऑफ इशू राइट साइड में होती है, एंड नंबर ऑफ बेड्स इन द हॉस्पिटल वो भी मेंशन होगा विदाउट विच ऑफ दिस इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट द कैंडिडेट। देखो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे ये तीन चीजें मेंशन होना मस्ट है। देखो नंबर एक हॉस्पिटल एंड एजेंसी का नाम, ठीक है, उसके लेटर हेड पे होना चाहिए पहले नंबर उसका, दूसरा लेटर नंबर, ठीक, डेट ऑफ इशू, ठीक है, क्योंकि उसी से आपको क्लैरिफाई होगा ना कि आपका रजिस्ट्रेशन के बाद का आपने एक्सपीरियंस इसमें ऐड किया है या रजिस्ट्रेशन से पहले ही आपका ऐड किया, ठीक है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आपका बीएससी नर्सिंग या जीएनएम का फाइनल रिजल्ट आ चुका है ना, और उसके बाद उसे उस मतलब फाइनल रिजल्ट आते आते ही है ना आप आ गया और आपने एडमिशन मतलब कहीं पे भी जॉब करने लगे तो वो कोर्स वो एक्सपीरियंस आपका काउंट करेगा नहीं, जब तक आपका नहीं हो जाएगा रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं हो जाएगा, तब तक नहीं वैलिड होगा। अब नंबर ऑफ बेड्स, ये तीन चीजें विशेष ध्यान रखना, लेटर हेड होना चाहिए इंस्टीट्यूशन का, लेटर नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ इशू एंड नंबर ऑफ बेड्स इन द हॉस्पिटल कितने रहे, क्योंकि वो उस पर तभी वो चीज लिख पाएंगे, क्योंकि जो उनके रजिस्टर्ड होंगे उतने ही वो लिख पाएंगे। इस चीज का पहले आप अवेयर हो जाना तभी उस हॉस्पिटल में आप काम करना, विदाउट दिस इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू, अगर ऐसा नहीं होता है तो इंस्टीट्यूट रिजर्व है कि वो उसके पास राइट है कि वो आपको कैंडिडेट कैंसिल कर सकता है आफ्टर द सिलेक्शन, ठीक है। द एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ व्हेनेवर द रिक्वायर्ड मस्ट बी ए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जो मैंने बात थोड़ी धीमे धीमे करके आपको समझाई वो सीधी बात यही है कि आपकी एक्सपीरियंस तभी होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसके बाद, मतलब बीएससी या जीएनएम करने के बाद, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद तब एक्सपीरियंस इंक्लूडेड है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी एज में क्लियर, देखो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 40 है, बाकी जो एज रिलैक्सेशन जो भी कैटेगरी के हिसाब से मिलती है वो एज टू एज है, बट उसमें विशेष ध्यान रखना आपका उत्तर प्रदेश का ही सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए क्या गाइडलाइन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा डिटेल में, चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, उनके लिए थोड़ा स्पेशल है तो इसके लिए वो चीज़ मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। फीस की बात कर लेते हैं, देखो फीस आपकी पहली बात कर लो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, मतलब वापस नहीं होगी, ठीक है, और 1,000 रुपये लगेंगे जनरल और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, जो कि जीएसटी जोड़ के 18% के 1180 एंड 1180 होंगे, और एससी एसटी के लिए 708 रुपये होंगे, ठीक, विद जीएसटी। विकलांग के लिए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति मतलब पीडब्ल्यूडी वाली श्रेणी के लिए एग्जेप्टेड है, मतलब कोई भी फीस नहीं लगेगी। देखो एक चीज़ है, एक चीज़ आपका डिस्क्लेमर यहाँ पे उन्होंने दिया रखा है, द अन्य श्रेणी 36 आरक्षण, ठीक है, से संबंधित उम्मीदवारों को उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान देना होगा, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ कास्ट सर्टिफिकेट द ओनली उन्हीं का होगा, ओनली दोस कैंडिडेट हुआ द डोमिसाइल ऑफ यूपी,
मतलब सिंपल सी बात है, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है, मतलब दोनों, मतलब जो कैटेगरी के हिसाब से होते हैं वो, और दूसरा जो फिजिकल डिसेबिलिटी के हिसाब से होगी वो भी। अगर आप अदर स्टेट की पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो तो ये मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि अगर आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट, तो आप ये कहो कि मैं सेंट्रल के मैं आता हूँ तो भी, तो मैं यहाँ पे क्यों मैरिट, क्योंकि ये वैकेंसी जो स्टेट की है यूपी गवर्नमेंट की वैकेंसी है, और ये सभी स्टेट वाले अपने यहाँ करते ही करते हैं, तो इसके लिए किसी भी तरीके किसी के लिए कोई भी भेदभाव नहीं है, ठीक है। और एक और चीज उन्होंने बोला है कि जो इशू है ना सर्टिफिकेट, 6 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ द सीआरटी, ठीक है, आपका 6 महीने पुराना होना चाहिए। एक अपडेट और आपके लिए छोटी सी है कि जो भी जो मतलब एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है करंट, और वो करना चाहते हैं, आगे बढ़ने के लिए करना चाहते हैं, बहुत से लोग संविदा पे लगे हुए थे तो वो लोग करना चाहेंगे, द एप्लीकेंट इन द रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मस्ट सबमिट ए एनओसी सर्टिफिकेट, ठीक है, फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ठीक है, सच द कैंडिडेट वुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ दे कैन नॉट फर्निश द एनओसी इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग। देखो एक चीज मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे लिखा है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, अब आप कहोगे कि जैसे संविदा पे हम लग चुके हैं तो क्या ये इनरेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, तो कंप्लीटली ये इनरेगुलर में तो नहीं आता, बट मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जब भी इस पोस्ट के लिए जाएं, जब आपका डीबी होगा, उससे पहले अपना एनओसी वगैरह निकलवा के रख लें और पहले से ही उनको थोड़ा डिस्क्लेमर दे दें, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट में लगे हो तो अगर आपने 2.5 साल का पीरियड नहीं कंप्लीट किया है तो एनओसी सर्टिफिकेट के लिए कुछ इशू हो सकते हैं, ठीक है, तो वो आप पूछ के पता कर सकते हो पहले से ही, थोड़ा थोड़ा पूछ पताछ करके कि एनओसी के लिए क्या क्या होता है, या फिर आपके कोई सीनियर्स या फिर कोई कलीग्स स्टाफ में कोई अदर मेंबर्स भी हो सकता है ना, अदर जैसे कि रीजन का, जैसे कि एमएलटी वाले हुए, फार्मासिस्ट वाले हुए, डॉक्टर्स हुए, बहुत से लोग आगे प्रमोशन के लिए मतलब जहाँ पे भी जॉब निकलती है वहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो उन्होंने भी एनओसी सर्टिफिकेट बनवाया होगा, तो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप जैसे कि यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, अब आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अगर जैसे कि अदर स्टेट में या सेंट्रल में है, और आप अगर जैसे कि अपने लखनऊ रीजन में आना चाहते हो तो भी वो कुछ लोग यहाँ पे भरेंगे, तो वहाँ पे तो उनका रेगुलर वाला होगा तो वो बढ़ेगा भैया, पर जो संविदा कर्मी है वो भी अपना एनओसी तैयार रखा है, क्योंकि हो सकता है वो उस जगह इस चीज को कंसिडर कर ले, तो अपना माइंड मेकअप करके चलना, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, पर मैं इस बात को कंफर्म नहीं बोल सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रेगुलर एम्प्लॉयमेंट लिखा है और संविदा वाली जॉब रेगुलर नहीं होती है, ठीक है, ये रेगुलर भी नहीं होती, पर रेगुलर भी नहीं होती है, दैट इज अ मीडियोकर कंडीशन, मतलब हम आप अब छोड़ो इसकी बात के बीच में कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब इसका जो सिलेबस और जिसका सिलेक्शन प्रोसीजर, इसकी वीडियो अभी आप उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है, आप फटाफट से जाइए, आपकी एलिजिबिलिटी अगर मैच कर रही हो है ना तो इस फॉर्म को भर दीजिएगा, अप्लाई करने का एक वीडियो डिस्कस मिल जाएगा, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का और इस वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ सिलेबस का भी लिंक इसमें आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और जो कि इस वीडियो को डिस्कशन होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।